हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपने इससे पहले किसी भी क्लास में नहीं पढ़ा हुआ है, इसीलिए ये टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा न्यू है। तो चलो वन बाय वन हम इसका पहले थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके बाद में हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आप इंपेरिकल फॉर्मूला मीन्स क्या समझते हैं। ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है मैं वो आपको अभी सबसे पहले समझाती हूँ। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो मैंने यहाँ पर अनादर वर्ड भी यूज किया गया है, और वो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मैं आपको साथ में ये भी बताऊंगी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको समझाती हूँ। अब जैसे देखिए, इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा फॉर्मूला रहता है किसी भी कंपाउंड का, हम कहेंगे विच गिव्स The simplest ratio, which gives the simplest ratio of atom of various elements present in या फिर हम कहेंगे इसको यहाँ पर एलिमेंट्स की जगह हम वर्ड यूज करना चाहेंगे, यहाँ पर वेरियस मॉलिक्यूल्स इन कंपाउंड। मैं आपको विथ एग्जाम्पल समझाऊंगी, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इसकी डेफिनेशन समझा रही हूँ। सो विच गिव्स द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स इन अ कंपाउंड। अब देखो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो फॉर्मूला होता है जो क्या करता है, विच गिव्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ, या फिर हम कहेंगे एक्चुअल रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द वेरियस मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड। सो अब देखो, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी तक ये नहीं समझ में आया होगा, तो अब मैं एग्जाम्पल के साथ में बताती हूँ। अब जैसे हम सभी को पता है कि बेंजीन, क्लास 10th में हमने स्टडी किया था, तो बेंजीन जो है, बेंजीन को का फॉर्मूला हम कहते हैं C6H6। इसका मतलब हुआ कि 6 कार्बन है एंड 6 जो है वो हाइड्रोजन है। अगर मुझे इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालना हो तो मैं कहूंगी इसका सिंपलेस्ट रेशियो होता है CH। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ है यहाँ पर कि ये क्या है, ये एक्चुअल रेशियो है। क्या है ये, एक्चुअल रेशियो ऑफ एटम्स। ये क्या है, एक्चुअल रेशियो ऑफ एटम्स है। और ये क्या है, यहाँ पर जो हमें मिल रहा है ये है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स। ये सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स है, और इसीलिए हमने इसको क्या कहा है, हमने इसको कहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या कहा हमने इसको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहा है। और इसको क्या कहा हमने, इसको हमने इम्पेरिकल फॉर्मूला कहा है, इम्पेरिकल फॉर्मूला। अब आप ये दोनों जो है वो आराम से समझ सकते हैं, दोनों कॉन्सेप्ट, देखो एग्जाम्पल के साथ में। इम्पेरिकल फॉर्मूला मतलब हमने क्या कहा था कि ऐसा फॉर्मूला जिसमें सिर्फ सिंपलेस्ट रेशियो गिवन हो। क्या गिवन है उसमें, सिर्फ सिंपलेस्ट रेशियो जो है ये गिवन है, जबकि हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या होता है, एक्चुअल रेशियो गिवन रहता है। क्या रहता है, एक्चुअल रेशियो गिवन रहता है। सो इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ ही गया होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। अभी मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स देती हूँ और उसके बाद में हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसे अगर हमारे पास में, अगर मैं और एक कुछ एग्जाम्पल लूँ एसिटिक एसिड का। अब देखो, अगर मैंने एसिटिक एसिड का यहाँ एग्जाम्पल लिया, एसिटिक एसिड हमने किसका एग्जाम्पल लिया है, एसिटिक एसिड का अगर हमने एग्जाम्पल लिया। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ ताकि हमें जो है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इम्पेरिकल फॉर्मूला को अच्छे से हम समझ सकें। तो हमने इस क्वेश्चन को नीचे कर दिया है और अब हम देखते हैं यहाँ पर आओ।
अब देखो जब हम यहाँ पर आते हैं तो एसिटिक एसिड का मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेती हूँ। तो हम यहाँ लिखेंगे इसका पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हम क्या कहेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और यहाँ पर हम लिखेंगे इसका इम्पेरिकल फॉर्मूला। तो पहला जो हम ले रहे हैं वो है एसिटिक एसिड। क्या है फर्स्ट हम जो ले रहे हैं वो एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का आपने क्लास 10th में फॉर्मूला देखा होगा CH3COOH। तो ये क्या हुआ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब अगर मुझे इसका इम्पेरिकल फॉर्मूला लिखना है तो मैं क्या कहूंगी कार्बन कितने हैं, जब आप निकालते हो तब वन ही कार्बन है। जैसे अगर मैं इसको लिखती हूँ तो मैं कैसे लिख सकती हूँ C2O2 और H4, या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं C2H4O2, इस तरीके से होगा ये। अब इसी का मैं अगर सिंपलेस्ट रेशियो निकालती हूँ तो सिंपलेस्ट रेशियो मिलेगा CH2O, मतलब ये एक्चुअल नंबर है और ये सिंपलेस्ट रेशियो, इसलिए ये इम्पेरिकल फॉर्मूला हुआ। एक दो और एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि अब मैंने लिया एग्जाम्पल ग्लूकोज का, ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज में देखो क्या है C6H6, ये इसका ओरिजिनल फॉर्मूला होता है। तो इम्पेरिकल फॉर्मूला कितना हुआ CH हुआ। अब हम और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लू सॉरी ये एग्जाम्पल जो है मैंने बेंजीन का लिया था, अभी हम ग्लूकोज की बात कर रहे थे, हम किसकी बात कर रहे थे ग्लूकोज की। तो अगर मैं ग्लूकोज का फॉर्मूला लेती हूँ ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। अगर आप इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालोगे तो सिंपलेस्ट रेशियो निकलेगा इसका CH2O। तो अब देखो इन दोनों में इंपेरिकल फॉर्मूला सेम आया। तो अभी हम देखेंगे सबसे पहले कि क्या रिलेशन होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला में। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला में एक रिलेशन होता है जो आप सभी को याद रखना है, और वो ये है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला, एन इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला। और ये एन क्या हुआ, एन जो है एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जिससे आपने उसको मल्टीप्लाई किया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर CH2O लिया, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये बन जाएगा C2H4O6, और C2H4O6 मतलब CH3COOH। अब देखो अगर मैंने यहाँ पर CH2O को 6 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये बन जाएगा C6, कैसे हो जाएगा ये C6H12O6। इट मीन्स ये जो 2 या फिर 6 है इसी को कहा जाता है एन फैक्टर। क्या कहते हैं हम इसको, एन फैक्टर कहते हैं। और ये एन फैक्टर को हम क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद में हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को इम्पेरिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते, इम्पेरिकल फॉर्मूला को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप सभी को याद रखना है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन 1। जब भी एग्जाम में आएगा तो इसके ऊपर आपके हमेशा से ही एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये है हमारे पास न्यूमेरिकल। अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है चलो समझते हैं। अ कंपाउंड ऑन एनालिसिस फाउंड टू कंटेन, अ कंपाउंड ऑन एनालिसिस फाउंड टू कंटेन, यहाँ पर कार्बन कितना दिया है 34.6, हाइड्रोजन कितना दिया है यहाँ पर 3.85, ऑक्सीजन कितना दिया है 61.55 100%, ये सभी हमें दिया गया और हमसे बोला गया है कि इसका इंपेरिकल फॉर्मूला जो है वो कैलकुलेट करिए। देखिए अब हम कैलकुलेट किस तरीके से करना स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले तो क्या लिखना है, परसेंट लिखना है। सो अब अगर हम कहेंगे कि लेट दी टोटल वेट इज, परसेंट की हम बात कर रहे हैं तो हमने इसको 100 ग्राम में किया। अगर ये 100 ग्राम है तो कार्बन कितना होगा 34.6 ग्राम, हाइड्रोजन कितना दिया गया है 3.85 ग्राम, ऑक्सीजन कितना दिया हमें 61.5 ग्राम। हमने क्या किया यहाँ परसेंट को ग्राम में करके सॉल्व किया। अब देखो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, हम सबसे पहले लिखेंगे स्टेप 1।
सो स्टेप वन में हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच ईच एलिमेंट। हमें सबसे पहले ईच एलिमेंट का नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, कार्बन इज इक्वल टू, तो मोल्स ऑफ कार्बन हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू गिवन मास कितना है इसके पास में, 34.6 अपॉन। अब देखो यहाँ पर हमें मोलार मास का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कार्बन का मोलार मास होता है 12, इट मीन्स उसके न, जो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स जो आए, नंबर ऑफ मोल्स जो आए वो आए यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 2.88। सिमिलरली मैं किसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेती हूँ, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, इसके लिए हम क्या करेंगे, 3.85 दिया हुआ है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3.85। अब जो हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे, हमने कार्बन निकाल लिया, हमने क्या निकाल लिया, कार्बन के बाद में हमने निकाल लिया हाइड्रोजन, राइट। अब हाइड्रोजन के बाद में हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, देखो हाइड्रोजन के बाद में हमें दिया गया है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, कैसे निकालेंगे हम, 61.55 अपॉन ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 16, मतलब उसका आंसर आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 3, यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आता है ये 3.85। तो ये हुआ हमारा स्टेप वन। अब स्टेप टू में क्या करना है, मैं इसी के बाजू में लिख लेती हूँ स्टेप टू। स्टेप टू में हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है मोलार रेशियो, हमें क्या करना है, फाइंड आउट मोलार मोलार रेशियो। मोलार रेशियो में कैसे फाइंड आउट करती हूँ, देखो सबसे पहले कार्बन, कार्बन के मोल्स कितने आए 2.88, हाइड्रोजन के मोल्स कितने आए 3.85, और उसके बाद में ऑक्सीजन के मोल्स कितने आए यहाँ पर आए ये 3.85। अब देखो इन सब में से जो लोएस्ट रहता है उससे डिवाइड करना रहता है सबको, जैसे कि अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ 2.88, सिमिलरली इसको भी डिवाइड करूंगी 2.88, सिमिलरली इसको भी डिवाइड करूंगी 2.88, और यहाँ पर हम इसका क्या निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। फर्स्ट सिचुएशन में तो बहुत ही सिंपल है, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सेकेंड सिचुएशन में ये आता है अप्रोक्सीमेटली 1.34, यहाँ पर कितना आएगा 1.34 आता है। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर कितना आया 1 आया, यहाँ 1.34 आया, तो हम क्या करते हैं इसका हमें ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना है, हमें इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जहाँ पर वो क्या आए, सिंपल होल नंबर रेशियो आए, क्या आना चाहिए सिंपल होल। तो हमने क्या कहा, फाइंड आउट मोलार रेशियो, तो ये बन गया हमारा मोलार रेशियो। बट ये वैल्यूज जो है ये किसमें दी गई है, ये वैल्यूज डेसिमल में आई है, तो मैं एक यहाँ पर एक ऐसा इंटीजर ढूंढूंगी जो इंटीजर इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकूँ। अगर 1 से करती हूँ तो यही आंसर आएगा, अगर 2 से करती हूँ फिर भी करेक्ट आंसर नहीं आएगा, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ सभी को। जब मैं इन सभी को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, देखो इन सभी को मैं जब 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तब मुझे यहाँ पर आंसर जो है वो मिलता है, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 4 आता है, और ये भी अप्रोक्सीमेटली 4 आता है। अब मैं लिखूंगी इसका आंसर, एंड दैट वन इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या लिखूंगी, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे इसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो सी कितना है 3 है, तो मैं यहाँ सी के सब पास में 3 लिख देती हूँ, एच कितना है 4 है, तो हमने H के पास में 4 लिख दिया है, O कितना है 4 है, तो हमने O के पास भी 4 लिख दिया है, और इसी तरीके से हम इम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो फाइंड आउट करते हैं। सो स्टूडेंट आई होप आज की क्लास में मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आ चुका है।
और अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है तो इससे रेलेवेंट जो भी कोई एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल से अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दे चुकी है। तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको नोट्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और कुछ प्रैक्टिस शीट्स भी अवेलेबल होगी। तो स्टूडेंट, आई होप आप सभी को ये जो मैंने पढ़ाया हुआ टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।